हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक तथा उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या यूपीएससी हो, रेलवे, एसएससी, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी का जो पार्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, जो लेखक तथा उनकी पुस्तकों से संबंधित हों। तो ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं लेखक तथा उनकी पुस्तकें। तो पहला हमारा है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो पद्मावत जो है उसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इस जो पुस्तक है उसमें उन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावत के प्रेम का चित्रण किया है। नेक्स्ट है हमारा कि विनय पत्रिका के लेखक का नाम है, तो विनय पत्रिका के लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास, और ये जो पुस्तक है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें 279 जो है पद हैं। ठीक है, और इन और जो तुलसीदास हैं उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कवितावली हुआ, गीतावली हुआ, दोहावली और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, या बरवे रामायण, ये सब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आनंद मठ के लेखक हैं, तो आनंद मठ के कौन लेखक हैं, तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये जो है उपन्यास, ठीक है, और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है। ठीक है, और ये जो उपन्यास है इसमें जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, इसी से लिया गया है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट है कि आधे अधूरे के लेखक का नाम क्या है, तो आधे अधूरे के लेखक का नाम है मोहन राकेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। ठीक है, और ये जो कहानी है उदयभान चरित्र नाम के से नाम से भी जाना जाता है। कौन? जो रानी केतकी की कहानी है उसे उदयभान चरित्र भी कहते हैं, और ये एक तरह का ये क्या है, हास्य प्रधान है। ठीक है, ये जो कहानी है वो हास्य प्रधान है। नेक्स्ट है कि बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक जो है वो प्रसिद्ध लेखक है हमारे कबीरदास, उनकी रचनाओं का संग्रह है, और इस संग्रह में साखी आता है, सबद है और रमैनी। ठीक है, साखी, सबद तथा रमैनी तीनों संकलित है। ठीक है, और जिसका संकलन इनके ही शिष्य धर्मदास ने किया था। फिर नेक्स्ट है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है, तो आंसू प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ की भाषा क्या है और इसके रचयिता कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ था उसकी जो भाषा है वो है हिंदी, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से भी प्रख्यात हैं। फिर नेक्स्ट है कि काबुलीवाला पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, तो काबुलीवाला पुस्तक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और इस पर फिल्म भी बनी थी 1961 में, जिसके डायरेक्टर थे हेमंत गुप्त। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रंगभूमि के लेखक हैं, तो रंगभूमि के लेखक प्रसिद्ध हैं और जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, उनके जितने भी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि गोदान हुआ, ठीक है, ईदगाह हुआ, और कर्मभूमि हुआ, रंगभूमि हुआ, ये सब इनकी ही पुस्तकें हैं। तो रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।